आपदाग्रस्त क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं होने पर नंदा विष्णु ने की प्रतिक्रिया दी। देखो, आपदा का क्षेत्र है और उसके बावजूद इतनी गर्मी और इतनी बरसात, ऐसे टाइम पे लाइट को इतने देर तक ऐसे काटना ये कोई ठीक नहीं है, और इतनी देर तक तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। आपदा क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पे इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं, तो उसमें अगर इतने लंबे समय के लिए अगर कटेंगे तो हर चीज़ से नेट से हर चीज़ से कट जाएगा, इसलिए क्योंकि लाइट ही नहीं है तो सब चीज़ से कट जाएगा ना। और गर्मी भी इतनी बड़ी है, हर चीज़ का प्रोग्राम यहाँ पे जैसे कुछ भी अगर होता है तो उसमें देखो कि लाइट इतनी देर तक काटना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इस पर जल्दी से जल्दी अगर एक दो घंटे तक भी अगर होता है तो अलग बात है, ऐसे इतने लंबे तो कोई अच्छी बात नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। थाना प्रभारी धारचूला ने चलाया अभियान, नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई। आज गोलगांव तिराहे पर कुंवर सिंह रावत ने अपनी टीम के साथ धड़ाधड़ लगातार चालान किए और उक्त चालान ऑनलाइन किए जा रहे हैं। बिना हेलमेट के वाहन एवं जो वाहन सीट बेल्ट का उपयोग नहीं कर रहा है उनके नकद चालान किए जा रहे हैं। कुंवर सिंह रावत ने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आजकल गया चला है और हमारा एक फोकस है कि पटना जिले में नाबालिग बच्चों पर विशेष फोकस किया गया है। अभियान चल रहा है हमारा डेली सुबह शाम चालान करते हैं, पर डे हम 20-25 लोग चालान करते हैं। क्या आज भी कोई नाबालिग चालान हुआ है? अभियान चल रहा है, बच्चा सुधर गया कुछ। चालान के लिए यहाँ पे ड्यूटी लगाई है, यहाँ कॉलेज फील्ड में मेला लगा है और मेले के यहाँ पे बच्चे बिल्कुल न हेलमेट पहन रहे हैं और न उनको कोई सेफ्टी का कुछ है, बाइक की न स्पीड और न रफ्तार पे उनका कहीं पे कंट्रोल है, इतने अनटेंशन चला रहे हैं और इतनी भीड़ चार चार पाँच पाँच बिठा के और बिल्कुल ऐसे स्पीड से चला रहे हैं बच्चे, तो ऐसे कंट्रोल होना बहुत अच्छी बात है और सराहनीय कार्य धारचूला पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत सराहनीय भी है और ज़रूरी भी है। नेशनल हाईवे तवाघाट धारचूला रोड पे ग्वालगांव में बड़े बड़े खड्डे, बीआरओ को इस सड़क पर लगातार आना जाना रहता है, सेना की इस पर रोज जाती है, साथ ही ब्यास वैली दारमा वैली को सड़क जोड़ती है, परंतु स्थानीय नागरिकों ने कई बार आपत्ति करने के उपरांत भी इस तरह के खड्डे प्रशासन को या बीआरओ को अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर होना प्रतीत हो रहा है। इस तरह ये रोड कम से कम 50 मीटर के आसपास पूरी तरह से बड़े बड़े खड्डों में बदल गई है, बीच में केवल डामर का पार्ट रह गया है और इसमें बड़ी मुश्किल से आवाजाही आगमन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन भी कई बार बीआरओ को कह चुका है लेकिन बीआरओ शायद सुनना नहीं चाहता। इन गड्ढों को पाटने के लिए बीआरओ ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है, बरसात का मौसम आ रहा है, इसमें पानी भरने के उपरांत शायद दोपहिया वाहनों का अत्यधिक नुकसान होने की स्थिति नजर आ रही है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज़।